गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट वीक कोचिंग क्लासेस फॉर बायोलॉजी। अगेन आई एम सुशांत एंड स्टूडेंट्स, टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म ये क्या है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके पहले हमने किस कौन से कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था? ग्रोथ के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एंड मास ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स का मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है, और फिर हम देखेंगे व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंड लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसमें क्या होता है? सेल्स होते हैं, ठीक है। सेल्स आर द बेसिक सब यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन देखा था सेल का। ना मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ लाइफ सस्टेनिंग बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लाइफ सस्टेनिंग बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये लाइफ सस्टेनिंग बायो मॉलिक्यूल्स मिलके एक दूसरे के साथ मिलके कुछ केमिकल रिएक्शंस तैयार करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस तैयार करते हैं जिसमें या तो एनर्जी बनेगी या तो एनर्जी यूज करी जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन किस टाइप का है। कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी को यूज किया जाता है, उनको क्या कहते हैं हम देखने वाले थोड़ी देर में, ठीक है। तो कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी को रिलीज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि उस टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो हम मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? वी कैन डिफाइन मेटाबॉलिज्म एज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन से स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझते हैं अपन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगेन मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सबके घर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में डॉग्स होंगे, ठीक है, कैट्स भी होंगी, बिल्ली भी होता है, कुत्ता भी होता है, तो दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उनकी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस मतलब ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर कौन काम करता है? बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल याद है पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स, विटामिन्स, एंड देर आर मेनी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और बायोकेमिकल्स। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या जो बायोकेमिकल्स होते हैं, ये मिलके जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। सो सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस
occurring inside the body of a living organism is called as metabolism. ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे ह्यूमन बॉडी में हजारों ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो जब काम करती है हमारे बॉडी में तो उससे क्या बनता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बनता है. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बायोकेमिकल्स. अगेन हमको पता है कि व्हाट आर द बायोकेमिकल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल्स इन ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी व्हिच टेक्स पार्ट इन मेटाबॉलिज्म. दीज आर कौन से बायोकेमिकल्स होते हैं, चलिए बताइए जल्दी जल्दी. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर एंड देयर आर मेनी मोर. इसमें विटामिन आ गए, सॉल्ट्स आ गए, मिनरल्स आ गए, बहुत सारे आ गए. तो हमने क्या कहा, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बायोकेमिकल रिएक्शंस करता कौन है, बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं बायोकेमिकल्स. तो बायोकेमिकल्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम शुगर्स कहते हैं, ठीक है, फैट्स होते हैं जिनको हम तेल वर्गीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आप घी खाते होंगे, बटर खाते होंगे, चीज खाते होंगे, ठीक है, प्रोटीन्स, अंडा खाते हो ना, ठीक है, एग्स में जो येलो कलर पोर्शन होता है उसमें प्रोटीन होता है, देन न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए सब लोग जानते हैं, वाटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनिंग ऑफ लाइफ. ठीक है, तो ऑल दीज बायोकेमिकल्स और बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन टूगेदर इंटरैक्ट विथ ईच अदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू कैरी आउट वेरियस रिएक्शंस. और ये जब बायोकेमिकल वाली रिएक्शंस बनती है ना बच्चों, तो क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म. ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट मेटाबॉलिज्म इज क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है किसके अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर बायोकेमिकल्स, कौन से बायोकेमिकल्स, ये वाले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, व्हाटर एंड मेनी अदर, ये जो बायोकेमिकल्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक मैनर में इंटरैक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस. तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होता होगा जो इतना इंपॉर्टेंट है. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये आपको मैं समझाऊंगा. मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, दीज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, दे आर आइदर प्रोड्यूस्ड और ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड. तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, बायोकेमिकल्स, कौन से बायोकेमिकल्स, ये वाले कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, वाटर एक्सेट्रा. बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली, मतलब मेटाबॉलिज्म कभी रुकता नहीं. अगर हम एक जगह पे जाके बैठ गए, मैं अगर सो गया, सब लोग सोते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए आज रात को मैं खाना खाने के बाद सो गया, तो ऐसा नहीं कि मेरा मेटाबॉलिज्म भी सो जाएगा, नहीं, मेरा मेटाबॉलिज्म कभी नहीं सोता. मेटाबॉलिज्म वर्क्स 24/7 इंटू 365 डेज. ठीक है, तो बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड, बनाए जाते हैं, ब्रोकन, तोड़े जाते हैं एंड कन्वर्टेड. कन्वर्टेड मतलब बदले जाते हैं इनटू अदर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, समझा आपको. तो व्हाट आर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बायोकेमिकल्स, ये वाले बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड, तैयार किए जाते हैं, ब्रोकन
तोड़े जाते हैं या फिर कन्वर्टेड, कन्वर्टेड मतलब बदले जाते हैं। एक बायोमॉलिक्यूल किसी दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, बदल दिया जाएगा, उसका रूप चेंज कर दिया जाएगा, उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा इनटू अनदर बायोकेमिकल। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस? इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टेंटली मतलब ये कभी रुकता नहीं, ये अपने खुद के स्पीड पे चलता रहता है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म का स्पीड डिस्टर्ब हो गया तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं अरे यार मेरा आज पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, खाना पचाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसमें, डाइजेशन के प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसमें कुछ ना कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। ठीक है, इसलिए हमारा पेट खराब होता है। अब समझा मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो हमारी तबीयत भी डिस्टर्ब हो जाएगी। सो एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड, मतलब तैयार किए जाते हैं, ब्रोकन तोड़े जाते हैं, या फिर कन्वर्टेड, मतलब एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, समझा? तो हमने क्या देखा? मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन समझा, क्या कहता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको अगर हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो उससे क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो कौन करता है? बायोकेमिकल्स करते हैं, इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स या बायोकेमिकल्स कौन से प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाटर, और बहुत सारे होते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है जिसको मिलाने के बाद क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मेड, ब्रोकन और कन्वर्टेड इन अदर बायोकेमिकल्स। ठीक है, तो जब हम मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं, मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को पढ़ते हैं, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की दो प्रकार होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑफ टू मेन टाइप्स। ठीक है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, बहुत इजी, टू टाइप्स। वन इज एनाबॉलिज्म, एंड द अदर वन इज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, समझा? तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मेटाबॉलिज्म के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए? बिल्कुल ठीक, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दो प्रकार के होते हैं। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म, इसको हम बहुत सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, इसको डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, एनाबॉलिज्म इज सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शन। सिंथेटिक मतलब तैयार करना। चलिए मैं आपको लिख देता हूं, यहां पे समझ में आना चाहिए ना। सिंथेटिक मतलब टू मेक, तैयार करना, सिंथेसिस करना, प्रोड्यूस करना। तो व्हाट इज एनाबॉलिक? एनाबॉलिज्म इज सिंथेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस, टू मेक, सिंथेटिक मतलब टू मेक। और दूसरा क्या होता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है
ब्रेक डाउन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हमने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स देखा इसका, लाइफ का, उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिकल हम किसको कहते हैं? ऐसे केमिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए या लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन से हैं? अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। इसमें मिनरल्स भी आता है, सॉल्ट भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं। देन हमने देखा व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको ऐड करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद क्या बनता है? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है स्टूडेंट्स? बायोकेमिकल्स आर कॉन्स्टेंटली एक रेगुलर स्पीड पे मेड, ब्रोकन और कन्वर्टेड इंटू अदर बायोकेमिकल्स। ठीक है, लास्ट में हमने देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, कौन से? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस। सिंथेटिक मतलब टू मेक, तैयार करना, जोड़ना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना, डिग्रेड करना, अलग कर देना, सेपरेट कर देना। ठीक है, चलिए, अब तक हमने मेटाबॉलिज्म, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में क्या क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस और सिंथेटिक रिएक्शंस, और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और ब्रेकडाउन रिएक्शंस। तो हम एनाबॉलिक रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि, और इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन? तो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होते हैं, आपको मैं बहुत सिंपल वर्ड पे समझाता हूँ। ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शन स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टूगेदर। क्या कहा मैंने? ड्यूरिंग एनाबॉलिक रिएक्शन स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर to form large and complex molecules. ठीक है, बहुत इजी है, चलो समझते हैं। तो व्हाट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन? अगेन ये हमको समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक रिएक्शंस। ठीक है, और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन रिएक्शंस। ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स।
मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होते हैं, छोटे सादे सिंपल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स साथ में जोड़े जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं, और उससे हमको क्या मिलता है, लार्ज बड़े और कॉम्प्लेक्स, पेचीदा भी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। सो व्हाट इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन? एनाबॉलिक रिएक्शन इज दैट मेटाबॉलिक रिएक्शन वेयर, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, वेयर स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टूगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम एनाबॉलिक रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को साथ में जोड़ते हैं, वी कंबाइन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपने सुक्रोज का नाम सुना है, सुक्रोज इज अ शुगर, हम चीनी खाते हैं ना, साखर मंथन मराठी चला, हिंदी में चीनी बोलते हैं, मराठी में साखर मंथन, टेबल शुगर जो हम चाय में डालते हैं, ठीक है, दूध में डालते होंगे, उसको कहते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज दो सिंपल शुगर से बनता है, सुक्रोज खुद में शुगर है लेकिन सुक्रोज दो सिंपल शुगर से बनता है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल किसका, एनाबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, एनाबॉलिज्म का। क्योंकि देखो हमने क्या किया, यहाँ पे दो सिंपल और छोटे मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों भी शुगर्स है, इनको कंबाइन करके हमने क्या बनाया, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाया जिसका नाम क्या है, सुक्रोज। तो सुक्रोज कब बनता है, जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाया जाता है, व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कंबाइंड टुगेदर वी गेट सुक्रोज। ठीक है, आगे चले, चलिए अब आते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, व्हाट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, अगर आपने एनाबॉलिक रिएक्शंस को ध्यान से समझ लिया है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन को समझना भी बहुत इजी है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं हम, पता है क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्या काम है ने? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। चलिए लिख देते हैं, व्हाट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, देखिए एनाबॉलिज्म क्या कहता है, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टूगेदर, साथ में जोड़ा गया, कौन साथ में जोड़ा गया, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज नाम की शुगर्स जब साथ में जोड़ी जाती है तो क्या बनता है, सुक्रोज नाम का लार्ज और कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है। सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, चीनी मराठी में साखर, ठीक है। अब एनाबॉलिक रिएक्शन का उल्टा होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ते हैं, सेपरेट करते हैं, किसमें, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि एनाबॉलिक रिएक्शन का ठीक उल्टा क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अगेन हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, सुक्रोज का। अब हम क्या करेंगे, सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, ऑफकोर्स हमको फिर से क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इजी है,
देखा एनाबॉलिक रिएक्शन के बिल्कुल उल्टा क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या करते हैं, हम कंबाइन टुगेदर। मतलब कैटाबॉलिज्म में हम चीजों को तोड़ते हैं, कौन सी चीजों को, बायोकेमिकल्स, बायोमोलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं, चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात चलो इसमें लिख देते हैं, सिंथेसिस। यहां क्या आएगा, यहां आएगा ब्रेकडाउन। बहुत इजी है, ऑफकोर्स इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग थिंग, व्हेनेवर एनाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस, जब भी हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है तो उसके लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी इज यूज्ड, एनर्जी खर्च की जाती है। ठीक है, तो एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी लगती है, एनाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जब कैटाबॉलिज्म होता है तो इसके उल्टा होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या हुआ, एनर्जी को यूज किया गया, खर्च किया गया, और कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी को रिलीज कर दिया। तो ये एनर्जी जो होती है, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन में है ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, एटीपी सिंथेसिस। इसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में यूज करते हैं। ठीक है, और ये एटीपी हम किसके लिए यूज करते हैं, द एटीपी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस इज यूज्ड फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, साथ में बनाते हैं, उससे क्या मिलता है हमको, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है एनाबॉलिक रिएक्शन के साथ, जब भी एनाबॉलिक रिएक्शन होता है तो एनर्जी लगती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या कहता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो अगेन सुक्रोज जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। लेकिन जब कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर निकाली जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और ये एनर्जी हम किस लिए यूज करते हैं, हमारा बॉडी जो कैटाबॉलिक रिएक्शन से निकली हुई एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करता है, एटीपी सिंथेसिस, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी हम कहाँ यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के, कौन से होते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, और कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शन,
एंड मेनी अदर्स। ठीक है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। ये जो ब्रेकडाउन होता है उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन से निकली वाली एनर्जी अपन कहाँ यूज करते हैं, एटीपी सिंथेसिस में। और एटीपी सिंथेसिस होने के बाद जो एटीपी बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम कहाँ यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन से होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या एटीपी को बायोलॉजिकल करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल करेंसी, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे हम मार्केट में जाते हैं या किराना दुकान में जाते हैं तो सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है। जब तक आपके बॉडी का कोई ऑर्गन एटीपी को खर्च नहीं करेगा वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पूरे नहीं कर सकता, इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल करेंसी, बायोलॉजी के पैसे बेसिकली सिंपल वर्ड्स में बायोलॉजिकल करेंसी। व्हाट इज दैट, एटीपी। और एटीपी कहां बनता है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। क्यों, क्योंकि कैटाबॉलिक रिएक्शंस में जब लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो क्या मिलता है, एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके हम क्या बनाते हैं, एटीपी। और एटीपी हमारी बॉडी कहां यूज करती है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड देयर आर मेनी अदर्स। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट बचता है, ठीक है, कौन सा पॉइंट बचता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसे नॉन लिविंग थिंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड पे लिख सकते हैं, मेटाबॉलिज्म हैपन्स ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दूसरा क्या हो सकता है, नो मेटाबॉलिज्म इन नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसका मतलब नो एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी में या कैरेक्टरिस्टिक में एक्सेप्शन नहीं होता। मतलब मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं। तो इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, डेफिनेटिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को, डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि why metabolism is considered as a definitive characteristic of all living organisms, बहुत सिंपल आंसर है, metabolism happens only in living organism. मेटाबॉलिज्म डज नॉट टेक प्लेस इन नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या मैटर में होता नहीं, इसलिए मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी में एक्सेप्शंस नहीं होते। देयर आर नो एक्सेप्शन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाबॉलिज्म, हेंस मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एज डेफिनेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेटिव कैरेक्टर है, कंफर्म कैरेक्टर है। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो कि मेटाबॉलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ठीक है।